الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير আপকো মালুম হে আল্লাহ তাআলা নে মেরাজ মে আপনে নবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কো আপনে পাশ বুলায়া আর আপনি বড়ি বড়ি নিশানিয়া দিখায়ে জেসা কি সূরা নাজম মে হে হামনে আপকো ইসলিয়ে বুলায়া তাকি নুরিয়হু মিন আয়াতিনাল কুবরা हम अपनी बड़ी बड़ी निशानियां आपको दिखाएं। दर हकीकत ये एक अजीब स्ट्रेंज एंड एक्सेंट्रिक जो है बिल्कुल एक्सेंट्रिक है तो अजीब वो गरीब सफर है ये। इस तरीके का सफर किसी इंसान ने कभी नहीं किया और न कभी इतनी तेज रफ्तार सवारी के ऊपर कोई बैठा है और ना आज तक इतनी तेज रफ्तार सवारी बनी है। साइंस की इतनी तरक्की और डेवलपिंग के बाद इस एक सफर में दो सफर है, एक जमीन से जमीन का सफर है और एक जमीन से आसमान का सफर है। तो एक सफर में दो सफर है। पहला सफर है मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, जैसा कि इस आयत करीमा में सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये जमीन से जमीन का सफर है और फिर आपने वहां नबियों की इमामत फरमाई और वहां से जो सफर आसमान का है वो आसमान से जमीन का सफर है और उसको मेराज कहते हैं। जमीन से जमीन का जो सफर है उसे इसरा कहते हैं और जमीन से आसमान का जो सफर है उसको मेराज कहते हैं। इस एक सफर में दो सफर हैं, मजाजन इस पूरे सफर को मेराज कह दिया जाता है। ये जो मेराज हुई है रूहानी हुई है कि जिस्मानी? सही ये है कि मेराज जिस्मानी हुई है, इसलिए कि यहां जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सब मेराज जिस्मानी के ऊपर दलालत करते हैं। मसलन सुबहाना, ये सुबहाना का लफ्ज ताज्जुब के लिए आता है, किसी गैर मामूली वाकये को बयान करने के लिए आता है। तो अगर ये ख्वाब में मेराज हुई है तो लफ्ज सुबहाना लाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि ख्वाब कोई गैर मामूली वाकया नहीं है। इससे ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुई है, इसी वजह से लफ्ज ताज्जुब सुबहाना लाया गया। दूसरे असरा, उसने सैर कराया। सैर बदन और रूह दोनों के मुरक्कब के साथ होता है। हमने रूह को सैर कराया ऐसा नहीं बोला जाता। इसी तरह बेअब्दिही अपने बंदे को, अपने बंदे को, तो बंदा सिर्फ रूह को नहीं कहा जाता, रूह और बदन के मुरक्कब का नाम बंदा है। तो ये लफ्ज अब्द भी दलील है इस बात की कि आपको मेराज जिस्मानी हुई। और मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, ये जो जमीन से जमीन का सफर है, अगर ये ख्वाब की हालत होती तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी यहां से वहां तक, इसलिए कि ख्वाब में तो आदमी कहीं भी जा सकता है। गोया आपके मेराज जिस्मानी के ऊपर इब्ने हज्म ने जो इजमा नकल किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इब्ने हज्म ने कहा कि आपके मेराज जिस्मानी के ऊपर इजमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं, इजमा है इसके ऊपर। ये मेराज कब हुई?
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت سے ایک سال پہلے, ہجرت سے ایک سال پہلے یہ معراج کا واقعہ رونما ہوا. رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر طے کرا دیا گیا, جبکہ خالی مکہ سے بیت المقدس کا سفر 1000 میل ہے, اور ایک مائل 1.6 اگر مانا جائے تو اس اعتبار سے تقریباً 1612 کلومیٹر ہو جائے. خالی زمین سے زمین کا سفر جو 40 راتوں کا سفر ہے, رات کے ایک حصے میں کرا دیا گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اتنی تیز رفتار سواری کا سائنس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, بنانا تو دور کی بات. اور ہمارے نبی کو اسی عجیب و غریب سواری کے اوپر معراج کرائی گئی.